के लिए भोपाल के लैब में भेजे गए थे सैंपल। यूपी सरकार ने बीमारी से बचाव के दिशा निर्देश जारी किए हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। बर्ड फ्लू ने कानपुर में भी दस्तक दे दी है। दो दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में चार पक्षियों की मौत हो गई थी। मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल रिसर्च सेंटर भेजवा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चारों पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। चिड़ियाघर प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर हो गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बने सात बाड़ों में 935 पक्षियों को रखा गया है। इसमें लगभग सभी प्रकार के पक्षी शामिल हैं। अचानक पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने सावधानी दिखाते हुए जानवरों के लिए बाहर से आने वाले चिकन पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल बर्ड फ्लू मुर्गियों से फैलता है। चिड़ियाघर में बने पक्षियों के बाड़ों को ढक दिया गया है। इसके साथ ही दवाओं के छिड़काव और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़े की मिट्टी और मल को भी जांच के लिए भेजा गया है। आनंद फानन में रात में ही सभी बाड़े बंद करा दिए गए और देर रात तक चली बैठक में चिड़ियाघर को 15 दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ये प्रदेश में बर्ड फ्लू का पहला मामला बताया जा रहा है। बता दें कि दर्शकों के लिए चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जो पक्षी चिड़ियाघर में मृत पाए गए थे उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं और उनमें जो वायरस पाया गया है वो काफी खतरनाक माना जा रहा है। मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। प्राणी उद्यान में मरे पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। बता दें कि मुर्गे और दो तोतों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और ये वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है। एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि H5 स्ट्रेन का सबसे खतरनाक वायरस पाया गया है। फिलहाल दर्शकों के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। प्राणी उद्यान में मरे पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब चार पक्षियों की मौत हुई थी उसके बाद सैंपल्स भेजे गए थे और अब उनमें खतरनाक वायरस की पुष्टि हुई है, तो क्या कुछ अभी तक एहतियात के तौर पर सुविधाएं बरती जा रही है, सावधानियां बरती जा रही है? कल रिपोर्ट आई थी, इसके बाद से काफी हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद से तुरंत पानी उद्यान के निदेशक है उन्होंने डीएम के साथ मीटिंग की और उसके साथ साथ जो तमाम जिले के अधिकारी हैं, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की थी और मीटिंग में तय किया गया कि जो भी चिड़ियाघर के अंदर जितने भी जो पक्षी हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है लगभग 2200 से 2300 तक उनकी संख्या बताई जा रही है, उन सभी पक्षियों को मारने के भी आदेश दे दिए गए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 10 जंगली हैं थे और जो दो पेटे थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो उसके साथ में जो वहाँ पे पक्षी थे जो दूसरे बाड़ों के पक्षी थे उनमें भी कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के जो वायरस है वो पहुंच गया है, जिसके चलते इनको मारना अति आवश्यक हो गया। इसी के चलते तत्काल रात में ही एक बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा और उसके सत्र की पूरी तैयारी कर ली गई। इस समय चिड़ियाघर प्रशासन ने यहाँ पे दर्शकों के लिए आज यहाँ पे चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया और खासतौर पर वहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए कि अग्रिम आदेश तक किसी भी दर्शक को चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस तरीके से जरा भी इसमें लापरवाही की गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वायरस है वो इंसानों में पहुंच जाए और एक स्थिति जो है वो भयावह रूप ले ले, जिसके चलते फिलहाल अभी चिड़ियाघर प्रशासन ने इसको यहाँ पर गेट को बंद कर दिया है और उसके साथ साथ जिला अधिकारी ने तमाम सारे जिले चिकित्सा अधिकारी ने सभी को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी यहाँ पर मुर्गी की मंडियां हैं उन सभी मंडियों में जा जा करके जितने भी वहाँ पर उनको लग रहा है कि मुर्गे बीमार हैं, बीमार की हालत में, उन सभी को उनको खत्म करने के आदेश दिए हैं। उसके साथ ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि दुकानदार हैं तो खास करके जो चिड़ियाघर के 2 किलोमीटर के दायरे में जो दुकानदार हैं उन सभी को हिदायत दी गई है कि जो भी उनके यहाँ इस
तरीके के मुर्गे या जो पक्षी हैं उन सभी पर वो निगाह रखें और अगर जरूरत पड़ती है तो उन सभी को मार दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के जो दुकानदार है वो भी अब काफी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर वो जो मुर्गे हैं उनको मारे और कैसे मारे। फिलहाल जो मुर्गा मार्केट है वहाँ पर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। तो परेड की मुर्गा मार्केट जो कहा जाता है एक बहुत बड़ी मुर्गे की मंडी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वायरस के पहले होने की आशंका भी जताई जा रही है क्योंकि वहाँ भी कुछ मुर्गे मरे थे, जिससे चलते वहाँ पर फिलहाल अभी वहाँ मंडी को भी वहाँ पर बंद करने के आदेश दिए गए। लेकिन जो मुर्गा आती है उनका ये कहना है कि अगर तरीके से प्रशासन ने उन पर पाबंदी अगर जल्दी न लगाई होती तो शायद ये स्थिति जो कि वो भयावह हो सकती है। फिलहाल अभी वहाँ पर जो स्थिति है वो चिड़ियाघर में फिलहाल अभी पूरी तरीके से दर्शकों के आने पर रोक लगा दी गई है और ये भी कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को चिड़ियाघर के अंदर न आने दिया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वायरस है वहाँ पर 10 अपने मुर्गे और जो कुत्ते मर गए उनके कारण वो वायरस पूरे चिड़ियाघर परिसर में फैल गया होगा। और अभी एक बात हम आपको और भी बता रही थी कि शाम को एक और जो जानकारी सामने आई कि यहाँ पर मोती झील है, वहाँ पर मोती झील इलाके में जो बत्तख थी बत्तख के कई बच्चे मरे हुए पाए गए। इससे माना जा रहा है कहीं ऐसा ना हो ये जो वायरस का प्रकोप मोती झील तक भी पहुंच गया होगा। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है ये अब बड़ा रूप लेता जा रहा है और जो कि अब चिड़ियाघर से निकल करके दूसरी भी जगहों पर पहुंच चुका है। फिलहाल अभी इस पर नियंत्रण करने के देखते हुए उस पर जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों को आदेश दिए हैं और सभी दिशा निर्देशों का अधिकारी बखूबी पालन भी कर रहे हैं। और जितनी भी दुकानदार लोगों ने दुकानें खोल रखी है उन सभी को वहाँ पर बंद करने के आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मुर्गे जो भी दुकानदार चिकन की दुकानें हैं उन सभी पर मुर्गों को भी मारने के आदेश दिए। इससे कहा जा रहा है कि प्रशासन ने इस बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए लगभग जो बड़ी तैयारी कर चुका है और उस तैयारी को पूरी तरीके से उन्होंने किसी भी जरूरत नहीं की जा रही कि अगर जरूरत पड़े तो जितने भी पक्षियों को मारने की जरूरत पड़े उनको मारा जाए। जी बिल्कुल सुनील जी, आपसे ये बात मैं समझना चाहूंगी कि जो वायरस इन पक्षियों में पाया गया है क्या ये वही वायरस है जो पक्षियों से इंसानों तक पहुंच जाता है, इस बात की पुष्टि हुई है क्या? भोपाल से जो रिपोर्ट आई है उसमें माना जा रहा है कि जो स्ट्रेन 5 वायरस है ये काफी खतरनाक वायरस है और इस वायरस के कारण कहीं ना कहीं अगर कोई भी इंसान इसकी चपेट में आता तो उसके जो वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो अभी रिपोर्ट आई उसके बाद से जो सीमा ने भी यहाँ पे जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आपको कहीं भी रास्ते में कोई पक्षी जमीन पर पड़ता हुआ मिल जाए या किसी प्रकार से वो किनारे पड़ा हुआ मिल जाए तो कहीं उसको छूने की जहमत ना उठाए उसको, बल्कि जो पशु चिकित्सा अधिकारी है जो भी जो नंबर जारी किए चिकित्सा अधिकारियों को उन सभी को किसी एक नंबर पर सूचना दें ताकि उस पक्षी को उठा करके जो भी हो सकता हो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू की चपेट में हो, ऐसा ना हो कि उस पक्षी को छूने के बाद वो फिर वो व्यक्ति स्टैंड 5 की चपेट में आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बर्ड फ्लू की शिकार हो जाए और ताकि और कहीं ये एक बड़ी स्थिति में पहुंच जाए जिसको लेकर के जो उन्होंने आदेश जारी किए तो उस आदेश के तहत फिलहाल अभी लोगों को कह दिया गया कि जी सूरत में कहीं भी अगर कोई पक्षी मिलता है किनारे तो उसको कतई न छुए और क्योंकि इससे ये जो वायरस है वो इंसानों में ही पहुंच करके एक घातक रूप ले सकता है, उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए फिलहाल उस पर अमल करने के लिए सभी को आदेश दिया जा रहा है। और बड़ी चीज ये भी है कि जिसके भी आसपास की जो मुर्गी फार्म जो फार्म हाउस जो फार्म पालन जो मुर्गी फार्म से बने हुए हैं उन सभी पर जा जा करके जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम है वो सभी वहां पर जाकर के अब लगातार दवा का छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है कि जो भी और पक्षी है शायद ऐसा ना हो कि वो उसकी चपेट में आ जाए, ऐसा ना हो जो लोग वहां पर है वो उसकी चपेट में आ जाए। उसके बचाव के लिए फिलहाल तमाम सारे जो बैठकें भी की गई है और उसके साथ साथ तमाम सारे अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और वो लगातार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिलहाल अभी वहां पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है और बचाव के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया कि पक्षियों की कुछ लोगों का कुछ पक्षियों के कत्ल किए जाएंगे तो ये कौन से किस्म के प्राणी हैं जिनका आज मतलब जिनका खात्मा भी किया जाएगा और इनकी संख्या लगभग कितनी होगी? 35 पक्षी जो है वो चिड़ियाघर प्रशासन जो चिड़ियाघर के अंदर है वो उसके अलावा जो चिड़ियाघर के दायरे में आने वाले लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कहा जा रहा है कि लगभग 100 से 150 दुकानदार हैं जो कम से कम एक एक दुकानदार जो है 150 से 200 पक्षी सबसे मुर्गे वहाँ पर इकट्ठे हैं। तो उन सभी को भी फिर पहले तो सबसे पहले जो चिड़ियाघर के अंदर जहाँ पे वो 10 मुर्गे और 2 तोतों में मरने के बाद में उन्हें वायरस की पुष्टि हुई है उनको मारा जाएगा। उसके बाद
जो आसपास के जो दुकानदार हैं उन सबकी जो एक अगर संख्या को पूरे करें लगभग 20,000 से ज्यादा मुर्गों को भी आज मारने की तैयारी की गई है और कहा जा रहा है कि और भी अगर आवश्यकता पड़ी तो उन सभी को भी मारा जाएगा क्योंकि अगर किसी भी सूरत में इस वायरस को इस जो ये जो पर्टिकुलर एक एरिया है इस एरिया के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और इसको लेकर के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों ने भी अपने घरों में कबूतर या मुर्गे इस तरीके के जो पक्षी पाल रखे हैं चिड़िया पाल रखी है उन सभी पर वो निगाह रखें और उनके जो छत के ऊपर जो खुले में जो लोग पाल रखे हैं अगर उनके ऊपर कोई इस तरीके का कोई पक्षी अगर उड़ता हुआ नजर आ जाता तो उसको भी वो देख कर देते हैं ऐसा ना हो उस पक्षी के छत पर बैठने के बाद ये जो घर में पले हुए पक्षी ये उनकी छत में अगर आ गया तो उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी इसकी इस वायरस की चपेट में हो सकता है आ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए भी उसकी चपेट में आने के बाद किसी इस वायरस से शिकार हो जाए इसको लेकर के भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए और अधिकारियों की टीम को बाकायदे उन सभी इलाकों में भेजा गया है कि यहाँ पर खास करके जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उन सभी इलाकों में क्योंकि वहीं पर जो लोगों ने ज्यादातर कबूतरों को पाल रखा है किसी ने घरों में मुर्गों को पाल रखा और क्योंकि कुछ लोगों ने सोते और समाज रहा है बड़ा बाजार भी है परे पर वहाँ पर भी सारे पक्षियों को बेचने का काम किया जाता है उन सभी जगह पर लगातार छापेमारी के आदेश दिए गए और सभी अधिकारी लगातार वहाँ पर छापेमारी भी कर रहे हैं उनका कहना है कि किसी भी सूरत में ये जो वायरस है उस चिड़ियाघर प्रशासन में जो पक्षी मरने थे उसके अलावा उनको मारा जाएगा इसके अलावा कहीं भी उसको न पहुंचने दिया जाए उसको लेकर के तमाम रोकथाम किए जा रहे हैं और हर हाल में जो जिलाधिकारी आलोक कुमार हैं उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारी ने अगर इस मामले में कतई लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल सुनील जी। और अब ये देखना होगा कि अगर इस मामले में कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि बर्ड फ्लू की कानपुर में दस्तक दी जा चुकी है। मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। भोपाल से आई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्राणी उद्यान में मरे पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण थे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से